Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 10, खेलो और खेलने दो। जैसा कि आपको पाठ के नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर हमें किससे रिलेटेड बताया है, खेलने से रिलेटेड। प्रस्तुत पाठ में खेल के महत्व के विषय में बताया गया है। बच्चों, खेलों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। खेलने से न केवल हमारा तन मन स्वस्थ रहता है, बल्कि इससे परस्पर भाईचारे की भावनाओं को भी बल मिलता है। इसीलिए सभी को खूब खेलना चाहिए और खेलने देना चाहिए। लेकिन आपको खेलने के साथ साथ स्टडी भी करनी है। ये नहीं है कि आप सारा दिन खेलते ही रहो। प्रज्ञा और प्रशांत दोनों भाई बहन हैं। वे मेरठ के एक स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों अपने माता पिता के साथ मेरठ में ही रहते हैं। उनके दादा दादी और चाचा चाची मेरठ के ही निकट एक गाँव में रहते हैं। प्रज्ञा और प्रशांत पढ़ाई में बहुत तेज होने के कारण हमेशा अपनी अपनी कक्षाओं में प्रथम आते हैं। इस साल से स्कूल में फुटबॉल के खेल की शुरुआत हो गई। दोनों को ही फुटबॉल का खेल बहुत पसंद था। दोनों ने स्कूल में फुटबॉल का खेल खेलना शुरू कर दिया। वे खेल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु तभी अर्धवार्षिक परीक्षा का समय आ गया। दोनों ने मेहनत की, परंतु इस बार पहले से कुछ कम अंक आए। पिताजी ने अंक तालिका देखी तो बहुत नाराज हुए और दोनों के फुटबॉल खेलने पर पाबंदी लगा दी। दोनों भाई बहन ने पिताजी को बहुत मनाया, परंतु पिताजी नहीं माने। आखिर प्रज्ञा को एक उपाय सूझा। संसार में अब केवल एक ही व्यक्ति है जो हमें पिताजी से फुटबॉल खेलने की अनुमति दिला सकते हैं, प्रज्ञा ने बहुत सोचते हुए कहा। प्रशांत चहकते हुए बोला, दादाजी। हाँ भाई, अब केवल दादाजी ही पिताजी को हमारी बात समझा सकते हैं, प्रज्ञा ने गंभीर होते हुए कहा। अब दोनों ने देर न करते हुए तुरंत दादाजी को फोन किया और पूरी बात बता दी। अगले दिन जब वे स्कूल से लौटे तो देखा कि दादाजी और पिताजी बरामदे में बैठे हुए चाय पी रहे हैं। दोनों बच्चे खुश हो गए, दादाजी से आशीर्वाद लिया और अंदर चले गए। उन्हें विश्वास था कि दादाजी अब सब कुछ ठीक कर देंगे। दादाजी ने बच्चों को बाहर बुलाया और पूछा, क्यों बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? दोनों ने जवाब दिया, जी दादाजी, ठीक चल रही है। बस पढ़ते ही हो या कुछ खेल कूद भी होता है तुम्हारे स्कूल में? दादाजी ने अनजान बनते हुए कहा। इससे पहले कि बच्चे कोई जवाब देते, पिताजी बोल उठे, पिताजी खेल में ही ज़्यादा ध्यान रहता है इनका। फुटबॉल खेलने के चक्कर में इस बार कम अंक आए हैं इनके। अब दादाजी ने पिताजी पर नाराज होते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हो सुरेश, बच्चे खेलेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? जब तुम स्कूल जाते थे तो क्या मैंने कभी तुम पर हमेशा सबसे अधिक अंक लाने का दबाव बनाया? नहीं न, मैंने तुम्हें अपनी इच्छा से खेलने और पढ़ने की पूरी स्वतंत्रता दी। मैंने बस यह देखा कि तुम अपना समय व्यर्थ की बातों में नष्ट न करो। यदि तुम्हें भी खेलने और पढ़ने का समान अवसर न मिलता तो आज तुम्हारा जीवन भी इतना संतुलित नहीं होता। जीवन में पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, परंतु केवल पढ़ना लिखना ही सब कुछ नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, मनोरंजन आदि भी जरूरी है। इसीलिए मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि बेटा खूब खेलो और खेलने दो। पिताजी शांत होकर दादाजी की बातें सुन रहे थे। अब उन्हें समझ आ गया था। उन्होंने प्रज्ञा और प्रशांत को अपने पास बुलाया और कहा, कल से तुम दोनों फिर से फुटबॉल खेल सकते हो, परंतु पढ़ाई के प्रति लापरवाह मत बनना। बच्चों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे बहुत खुश थे। जब वे अपना गृह कार्य करके बाहर निकले तो देखा दादाजी और पिताजी फुटबॉल लेकर मैदान में उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। वे सब मिलकर खूब खेले। इसके बाद ये है आपके शब्दार्थ। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। प्रज्ञा और प्रशांत कहाँ पढ़ते थे? मेरठ के स्कूल में। आप इसको पूरा ऐसे भी लिख सकते हो, प्रज्ञा और प्रशांत मेरठ के स्कूल में पढ़ते थे।
प्रज्ञा और प्रशांत को कौन सा खेल पसंद था? फुटबॉल। बच्चों ने अपनी समस्या के हल के लिए किन से कहा? अपने दादाजी से। दादाजी ने अनजान बनते हुए बच्चों से क्या पूछा और क्यों? दादाजी ने पूछा, बस पढ़ते ही हो या कुछ खेल कूद भी होता है तुम्हारे स्कूल में? और क्यों पूछा था? इसलिए पूछा था क्योंकि उन्होंने उन्हें फ़ोन करके बताया था कि हमारे पिताजी हमें फुटबॉल खेलने नहीं देते। इतना बड़ा मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और वो इतना बड़ा क्वेश्चन याद नहीं करते हैं। स्कूल में कौन से खेल की शुरुआत हुई थी? स्कूल में फुटबॉल के खेल की शुरुआत हुई थी। पिताजी ने फुटबॉल खेलने पर पाबंदी क्यों लगाई? पिताजी ने फुटबॉल खेलने पर पाबंदी लगाई। यहाँ इतना तो आपके क्वेश्चन से आएगा, उसके बाद यहाँ बीच का क्यों नहीं आएगा? यह आएगा क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में कम अंक आने पर, या फिर इस तरीके से लिखना, अर्धवार्षिक परीक्षा में कम अंक आने पर पिताजी, फिर यहाँ से लिखना ने फुटबॉल खेलने पर पाबंदी लगाई। दादाजी ने पिताजी को समझाते हुए क्या कहा? दादाजी ने कहा, बच्चे खेलेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? यह क्वेश्चन मार्क लगा रखा है क्योंकि जो दादाजी की बात है वो क्या है, एक क्वेश्चन के अंदर ही है। पिताजी की कौन सी बात सुनकर बच्चों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ? इसके अंदर से है, यहाँ से आएगा ये। पिताजी ने कहा, कल से तुम दोनों फिर से फुटबॉल खेल सकते हो, परंतु पढ़ाई के प्रति लापरवाह मत बनना। ये वाली बात सुनकर उनको बहुत आश्चर्य होता है, विश्वास नहीं होता अपने कानों पर। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है, क्यों? खेलने से तन मन स्वस्थ रहता है तथा भाईचारे की भावना को बल मिलता है। इसके बाद आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। पहले में आपका आएगा फुटबॉल। दोनों ने स्कूल में फुटबॉल का खेल सीखना शुरू कर दिया। आखिर प्रज्ञा को एक उपाय सूझा। दोनों बच्चे खुश हो गए। जीवन में पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, पढ़ाई के प्रति लापरवाह मत होना। किसने किससे कहे? अब केवल एक ही व्यक्ति हमें पिताजी से फुटबॉल खेलने की अनुमति दिला सकते हैं, प्रज्ञा ने प्रशांत से। क्यों बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? ये बात दादाजी ने बच्चों से पूछी। बस पढ़ते ही हो या खेल कूद भी होता है तुम्हारे स्कूल में? दादाजी ने बच्चों से कही। कल से तुम दोनों फिर से फुटबॉल खेल सकते हो, ये बात पिताजी ने बच्चों से कही। सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। प्रज्ञा और प्रशांत कौन थे? भाई बहन। दोनों पढ़ाई में कैसे थे? तेज। अंक तालिका देख कर कौन नाराज हुआ? पिताजी। और पिताजी पर कौन नाराज हुआ? दादाजी। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए और लिखिए। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जैसे यहाँ उनके उनके किसके लिए हैं? प्रज्ञा और प्रशांत। तो संज्ञा की जगह यह क्या यूज हो गया? उनके। पिताजी उन्हें खेलने देना नहीं चाहते थे, उन्हें किसको? प्रज्ञा और प्रशांत को। तो यहाँ क्या है? ये उन्हें। यहाँ भी आएगा उन्हें, यहाँ आएगा इनके और उन्हें। इसके बाद आता है विशेषण। लाल सेब, पीली सरसों, नीला आकाश, तीखी मिर्च। अब ये है आपका पूर्ण विराम। जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ये है हमारा अर्ध विराम, जहाँ हमें थोड़ा रुकना होता है। ये हमारा अल्प विराम, जिसको हम कोमा बोलते हैं। ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, जब हमें कोई प्रश्न पूछना होता है तब लगाते हैं। और ये हमारा विस्मयादिबोधक बोधक चिन्ह है। तो यहाँ आपको जो साइन दिए गए हैं इनसे आपको वाक्य बनाना है। राम पुस्तक पढ़ता है, कोमा लगा रखा है। राम, मोहन और सोहन स्कूल गए। तुम क्या कर रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? मैंने आपका एक अल्प विराम का नहीं बनाया है, ये सॉरी अर्ध विराम का, ये आप अपने आप से बनाना। ये है हमारा लेसन। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।